आपने रमजान के लिए तो 2 घंटे और 4 घंटे की छुट्टी की बात कर दी, तो आप यहाँ इनको भी 3 बजे छोड़िए, इनको भी 2 बजे छोड़िए। आप ये 2 तरह की राजनीति मत करिए, और इस तरीके से आप जो फैलाएंगे तो ये तो दिल्ली में घमासान होगा इस बात पे। आपस में ही त्योहारों को लेकर और सियासत में एक जंग छिड़ेगी, क्या ये बयान माना जाएगा? अगर रमजान को वालों को छुट्टी दी जाएगी तो नवरात्रि वालों को तो पहले दी जाएगी। तो भाई रमजान वाले, हम मानते हैं कि रमजान वालों का भी रोजा होता है, वो भी व्रत रखते हैं। उन महिलाओं को यदि आप छुट्टी दे रहे हैं तो आपको, या पुरुषों को छुट्टी दे रहे हैं तो इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? जो लोग का नवरात्र का है, रमजान 1 महीने का है और नवरात्र सिर्फ 9 दिन का है। नियम और कानून हर एक के लिए एक बराबर होना चाहिए, वो कोई भी किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। छुट्टी देनी है, रोजे में छुट्टी दे रहे हैं रोजे वालों को, तो आपको नवरात्रे के जो व्रतधारी हैं, जो महिलाएं हमारी हैं, बहन बेटियां हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, सुबह 9 बजे व्रत रख के और पूरा दिन वहाँ काम करती हैं वो, और शाम को घर आती हैं और फिर वो व्रत खोलती हैं, तो ये महिलाओं के ऊपर तो आप महिलाओं को लेकर तो देखिए कम से कम। बिल्कुल भैया, आप सही बात बोल रहे हैं। अब ये सीधा सीधा भेदभाव दिखता है, अरविंद केजरीवाल जी का ये बहुत बड़ा भेदभाव दिखता है। इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और हम इसका बहुत विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। दिल्ली के जल बोर्ड ने जो एक फैसला लिया है कि रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी पर भेजा जाएगा, मतलब कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या हिंदू समाज के लोगों को भी छुट्टी पर भेजा जाएगा कि जैसे मुस्लिम समाज के लोगों को भेजा जा रहा है? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि रमजान के महीने में छुट्टी दी जा रही है तो नवरात्रि, जो नवरात्रे मनाते हैं उनको छुट्टी क्यों नहीं? देखिए, दोनों ही त्यौहार जरूरी हैं, मैं मान लेता हूँ। मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़े रोज़े होते हैं, तो रोज़े में जो भी सहूलियत, जो सुविधा सरकार की तरफ से अगर रोज़े को मिल रही है तो वही से सुविधा हिंदू पर्व, हिंदू संस्कृति के जो त्यौहार हैं, नवरात्रे हैं। अब मौके की बात है, इधर रोजे स्टार्ट हुए, इधर नवरात्रे आ गए, नवरात्रे पहले आए शायद, रोजा 1 दिन बाद आया है। आपने रमजान के लिए तो 2 घंटे और 4 घंटे की छुट्टी की बात कर दी, तो आप यहाँ इनको भी 3 बजे छोड़िए, इनको भी 2 बजे छोड़िए। आप ये 2 तरह की राजनीति मत करिए, और इस तरीके से आप जो फैलाएंगे तो ये तो दिल्ली में घमासान होगा इस बात पे। आपस में ही त्योहारों को लेकर और सियासत में एक जंग छिड़ेगी। देखो, रमजान की छुट्टी पे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि दिल्ली में मीट बंद हो जाएगा, मतलब मीट की दुकानें बंद होंगी इन नवरात्रों के में, तो सब कहने लगते हैं कि हमारा तो मीट खाए बिना कुछ काम नहीं चलता। ओवैसी साहब भी बोलने लगते हैं कि जैसे लहसुन और प्याज है ऐसी मीट है। देखिए, नॉनवेज तो बिल्कुल गलत है, और कुरान में भी नॉनवेज मना किया गया है, लेकिन अब वो पता नहीं क्यों खाते हैं, क्यों आदत पड़ गई है उनकी, 3 टाइम 4 टाइम क्यों खाते हैं, क्यों रोज़ा खोलते हैं। और रोज़ा खोलना, रोज़ा इतना पवित्र उनका त्यौहार है, और रोज़े में कहा गया है कि थूक भी अंदर नहीं ले जा सकते आप, और आप नॉन वेज की बात कर रहे हैं, तो ये भक्षणपन है, ये राक्षसपन है, और इसमें ये तो गलत है बिल्कुल, इसका तो बिल्कुल निंदा होनी चाहिए और घोर विरोध होना चाहिए। और नॉन वेज की बात अगर अब सरकार के द्वारा चल रही है या पब्लिक में उठ चुकी है ये बात, तो इस पर पहल होनी चाहिए। किस तरीके से देखती है मैम, जो फैसला आया है, महिलाएं नवरात्रों का व्रत रखती हैं सबसे ज़्यादा, रमजान चल रहे हैं तो उसमें 2 घंटे की छुट्टी दी जा रही है, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये फरमान जारी हो गया है, किस तरीके से देखती हैं कि इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए या नहीं? नहीं, क्या सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड से ये फरमान जारी हुआ है कि और भी जगह से ये फरमान जारी हुआ है? पहले तो हमें आप ये बताएं, यदि और भी जगह से फरमान जारी हुआ है कि सिर्फ रमजान वालों को ही मिलेगा, तो भाई रमजान वाले, हम मानते हैं कि रमजान वालों का भी रोजा होता है, वो भी व्रत रखते हैं। उन महिलाओं को यदि आप छुट्टी दे रहे हैं तो आपको, या पुरुषों को छुट्टी दे रहे हैं तो इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? जो लोग का नवरात्र का है, रमजान 1 महीने का है और नवरात्र सिर्फ 9 दिन का है, तो क्या आप उन 9 दिनों में जो है हाफ टाइम लीव जो है किसी लेडीज़ को जिनके फास्टिंग है, और जिनके पुरुषों में जिनकी फास्टिंग है, उनको नहीं दे सकते हैं? ये ऐसे कैसी सरकार है जो दोगली नीति पे चल रही है? इस तरह की तो सरकार कहीं नहीं हो। नियम और कानून हर एक के लिए एक बराबर होना चाहिए, वो कोई भी किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है सबके लिए अलग अलग निगाहों से देखिए। हिंदू को
अलग निगाह से देखिए, मुस्लिम्स को अलग निगाह से देखिए, क्रिश्चियन और अदर कास्ट को, सिख को जो है आप अलग निगाह से देखिए, तो आप तो एक आला कमान है, आप तो एक राजधानी की सरकार को चला रहे हैं, दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं, आपको तो यहाँ से और बैठ के अच्छे संदेश देना चाहिए कि जो है आपसे लोग सीख सीखें, ना कि जो है लोग उत्तर प्रदेश में आप देखिए योगी आदित्यनाथ से लोग सीख सीख रहे हैं, लोग हर जगह विदेशी कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जैसा हमारे यहाँ होना चाहिए। केजरीवाल जी बार बार यही कहते हैं कि हमारे लिए तो मुस्लिम भी बराबर है, हिंदू भी बराबर है, लेकिन जिस तरीके से ये फरमान जारी हो जाते हैं तो कहाँ लगता है कि हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता ही नहीं, बिल्कुल साफ हो रहा है। आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात, जहाँ राशन कार्ड है आपके चुनिंदा लोगों के, जिनके राशन कार्ड बने, आपने कभी राशन कार्डों में ये चेक करवाया? आपके बंदे जो भी चेक करने अगर जाते भी हैं तो वो नीचे से बैठ जाते, ऊपर चौथी पांचवी मंजिल पे कौन रह रहा है किसी का नहीं पता है, किसके घर में कौन जीवित है कौन नहीं है, अगर कोई इंसान की मृत्यु हो गई है उसका भी उस परिवार को जो है राशन मिल रहा है, क्यों नहीं बंद किया गया? अगर ये सब चीज़ें बंद की जाए तो कल को जितने पेंडिंग में राशन कार्ड पड़े हैं वो मिले। उसके अलावा आपने फ्री 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 सबको दिया, आपने क्यों नहीं उतने ही लंबे पीरियड तक जिनके आधार कार्ड थे उनको फ्री दिया? जो लोग यहाँ से मान लीजिए जा चुके गाजियाबाद और गाजियाबाद में रह रहे हैं या मान लीजिए नोएडा में रह रहे हैं, तो वो वहाँ से आते हैं राशन लेने स्पेशली, हैं, आपने क्यों नहीं? ये सब क्या चीज़ें दर्शाती हैं? ये सब ये दर्शाता है कि आपकी जो है सत्ता चलाने का जो है कायराना हरकतें हैं ये सही नहीं है। दूसरा ये कि आप एक पक्ष को जो है किसी निगाह से देख रहे हो, एक पक्ष के साथ आप पूरा पक्षपात कर रहे हो आराम से, और एक पक्ष को जो है बिल्कुल जैसे आंखों में जो है किरकिरी की तरह से कि कोई धूल पड़ गया वो पड़ गया तो उसको साफ कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के एक मेयर हैं, वे कहते हैं कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए इस नवरात्रों में, तो ओवैसी साहब कहने लगते हैं कि जैसे लहसुन प्याज है ऐसी हमारे लिए मीट है, मीट पे घमासान हो जाता है और उधर छुट्टी भी नहीं देते लोग। देखिए ओवैसी तो वैसे ही हरकतों का वो पुलिंदा है, एक बहुत बड़ी गठरी है वो हरकतों की, और उससे जो चीज़ आप चाहिए वो करवा लीजिए। ओवैसी और ओवैसी का भाई, ये दोनों सिर्फ आगजनी और नफरत के अलावा तीसरा कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी कौमों को भड़काते, इनके कितने सारे वीडियोस आप उठा करके देख लीजिए कि ये कहता है इंशाल्लाह जब हमारी सरकार आएगी तब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम हिंदुओं के चुतरे चुतरे कर देंगे, ये कर देंगे, हिंदुओं को इस मुल्क में रहने का अधिकार नहीं देंगे, तो इस तरह की चीज़ें ये करता है ओवैसी, ठीक है। और ओवैसी ही जो है जितने मौलाना फौलाना लोग हैं उनको इस तरह की उल्टी सीधी सिखाता है, और मौलाना मस्जिदों से जो सीधे साधे मुस्लिम्स हैं जिनको समझ लीजिए कि उनके कुछ भी नहीं मालूम है, उनको भड़काने का काम ये लोग करते हैं। पढ़े लिखे मुस्लिम्स को नहीं भड़का सकते, क्योंकि पढ़ा लिखा मुस्लिम अच्छे से ये जानता है कि 100 में शायद एक ही आधा पढ़ा लिखा मुस्लिम गधा होगा जो, या उसके दिमाग में वो फितूर जो है वो भरा होता है, जैसे शुएब जमाई है, शुएब जमाई कहलाने को प्रोफेसर कहलाता है लेकिन उसके दिमाग में फितूर ही भरा हुआ है कि हम हिंदुओं को जूते, वो कई बार चैनल पे बोल चुका है कि तुम लोग को तो जूते से पीटेंगे चप्पल से पीटेंगे, तो इस तरह की हरकतें कुछ एक पढ़ा लिखा मुस्लिम करता है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे लिए तो हिंदू भी बराबर है मुस्लिम भी बराबर है, लेकिन छुट्टी एक तरफ दी जा रही है। तो बड़े भाई आप बताइए, केजरीवाल जी कहते हैं सब बराबर है, मैं एक हिंदू हो सकता मेरा भाई कोई हम मुस्लिम हो उसको 2 दिन की छुट्टी, मेरे को छुट्टी नहीं, मेरे बच्चा बीमार हो जाए तो मैं अब्सेंट होऊंगा, किस बात का कौन सा समानता है? आप ही माध्यम से आपके क्वेश्चन है, हमने तो आपकी मीडिया के पता लगा केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं तो किस बात का समानता दिखा रहे हैं? ये तो आप जिसके साथ सामना समक्ष प्रमाण है कि कितना वे अपने आप को समानता दिखाते हैं, वे तो खाई बना रहे हैं। मुस्लिम भाई को 2 दिन छुट्टी, हिंदू जाएगा काम पे 2 घंटे, चलो 2 घंटे की जो रमजान का पवित्र महीना है 2 घंटे दे दिया, तो उसमें किसी हिंदू को दिए क्या? आज तक 7 साल हो गए उसको भी दिल्ली की सरकार संभालते हुए, आज तक किसी हिंदू के उसमें जाके 2 महीने की छुट्टी दिए? किसी को छुट्टी दी हो तो बता दो, क्यों दिल्ली जल बोर्ड का हो, DTC का हो, जो उसके लोक निर्माण विभाग का हो, किसी भी उसमें महकमे में किसी भाई को या के कहा हो अपने आप ऑफिस में बुला के भाई तेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो तो 2 घंटे की छुट्टी लेकर अपने घर फैमिली को संभाल लो, ये किस बात का समानता दिखा रहा है? ढोकली राजनीति, ओछी राजनीति उनके समान अंदर बस चुकी है, वो ऐसे ही इस दिल्ली को बांटते रहेंगे। है कि रमजान में छुट्टी है और नवरात्रों में नहीं, किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को?
देखो मैं एक युवा भारत का नागरिक हूँ और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस फैसले को मैं युवाओं के लिए बहुत आभारी मानता हूँ। ये एक भेदभाव है हमारे लिए भी और दूसरे धर्मों के लिए भी। एक धर्म में आप छुट्टी दे रहे हो, भारत में सभी धर्मों को एक जैसी मान्यता प्राप्त है, तो ये बहुत गलती फैसला है। तो क्या लगता है, जहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे लिए हिंदू भी बराबर है मुस्लिम भी बराबर, लेकिन छुट्टी मुस्लिम को दी जाती है, तो क्या लगता है कि हिंदू समाज के लोगों में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमें क्यों नहीं दी जा रही छुट्टी? नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्र में देनी चाहिए। जिस तरीके से अभी बताया कि महिलाएं जाती हैं जॉब करने के लिए, तो उनको भी तो देनी चाहिए छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप सही बात बोल रहे हैं। अब ये सीधा सीधा भेदभाव दिखता है अरविंद केजरीवाल जी का, ये बहुत बड़ा भेदभाव दिखता है। इससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचा है और हम इसका बहुत विरोध करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि नवरात्रों पे हिंदुओं को सभी समाज को एक साथ लेकर चलें। वो मीट को लेकर बात हो रही है, जहां कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि मीट बंद कर देना चाहिए इस नवरात्रों में, तो ओवैसी साहब कहने लगते हैं कि जैसे लहसुन प्याज है ऐसे लिए हमारे लिए मीट है। अब पिछली सरकारों में आप देखते थे कि हमारे मंदिरों पे स्पीकर हटा दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, तो ये योगी सरकार का अच्छा फैसला है, मीट को बंद कर देना चाहिए।